अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। और मैं फिर से आ गई आप लोग के लिए एक फूड व्लॉग लेके, एक नया रेस्टोरेंट की। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जाजमऊ की। जाजमऊ में अभी न्यूली ओपन हुआ है अल जैंस, तो मैंने सोचा यहाँ का फूड ट्राई करते हैं और आपके लिए बताते हैं कि कैसा है, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसा है एम्बियंस, प्राइस, सारी डिटेल बताऊँगी मैं। तो अभी मैं ऊपर चलती हूँ। वैसे ये मैं नीचे का ये पोर्शन है, यहाँ पे इनका ये फूड का आइटम नीचे रहता है और ऊपर साइड में स्टेयर्स गए हैं। मैं ऊपर आ चुकी हूँ, साइड से स्टेयर्स गए हैं, तब आप ऊपर रेस्टोरेंट में आओगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक बाहर ओपन एरिया मिल जाएगा जिस तरह से यहाँ पे है सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप अगर ओपन एरिया में बैठना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे नहीं बैठना है तो आपको फुली एसी चाहिए, एसी वाला रेस्टोरेंट की फील चाहिए, तो आप अंदर जहाँ पे मैं बैठी थी तो वहाँ पे भी अंदर आप रेस्टोरेंट में अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, आप देख रहोगे, तो आप यहाँ पे भी अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। तो एम्बियंस में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ यहाँ के फूड ऑप्शंस कितने हैं। यहाँ पे आपको फूड ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, और प्राइस भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और मैंने क्या ऑर्डर किया ये भी बताऊँगी। पहले आप यहाँ का मेन्यू कार्ड चेकआउट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्टर में मैंने चिकन तंदूरी ऑर्डर किया था, ग्रेवी में भी चिकन का ही कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन प्लान में चेंज आ गया। साइड में एक फैमिली थी, उसने सिज़लर का ऑर्डर दिया, तो मेरा भी मन कर गया सिज़लर खाने का। काफ़ी दिन से सिज़लर खाया नहीं था और मैंने सोचा चलो सिज़लर ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने सिज़लर ऑर्डर कर दिया था और यहाँ हमारा सिज़लर आ चुका है, गर्मा गर्म धुआंधार सिज़लर आ चुका है। तो सिज़लर का प्राइस 700 था, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी जो भी एग्जैक्ट प्राइस था। और यहाँ पे मैं टेस्ट की बात करूँ, जो फर्स्ट वाली लाइन है ये चिकन टिक्का का फ्लेवर आ रहा था इस चिकन में, और जो सेकेंड वाली लाइन की चिकन की लाइन है इसमें चिकन तंदूरी का फ्लेवर आ रहा था। तो चिकन सिज़लर की मैं बात करूँ तो सिज़लर ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बट अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो दो लोग अगर होते हैं तो ये सिज़लर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता क्वांटिटी में। तो अगर आप लोग तीन लोग हो तो उसको ऑर्डर करना, दो लोगों में, दो जेंट्स हो तो आई थिंक फिर भी चल जाएगा, लेडीज़ में तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया था, ये सिज़लर फिनिश ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सिर्फ सिज़लर ही मंगाया था, फिर ग्रेवी का ऑप्शन हटा दिया था। और तो आप लोग उस हिसाब से देख के अपना ऑर्डर करना। और फाइनली हमारा सिज़लर जैसे तैसे हमने फिनिश करा, मैंने तो रोटी खाई भी नहीं। तो सिज़लर की रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 4 पॉइंट देना चाहूँगी सिज़लर को, मुझे काफ़ी पसंद आया था। और उसके बाद मैंने बिरयानी ऑर्डर करी थी, बिरयानी भी टेस्ट करना बनता ही है, तो मैं बिरयानी की रेटिंग्स की बात करूँ तो 5 में से मैं 3.5 पॉइंट देना चाहूँगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आप एक बार ज़रूर आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, यहाँ का फूड इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप आ चुके हो तो मुझे वो भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको यहाँ का टेस्ट और एम्बियंस कैसा लगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।